मोहना चांदपुर का नाम तो आपने सुना ही होगा। पिछले माह कटिहार के दियारा इलाके में हुई 5 लोगों की हत्या मामले में गुरुवार को एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 दिसंबर की घटना के आरोपितों में से 4 लोगों को गुजरात के सूरत शहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार 4 में से एक सुमन कुंवर भागलपुर जिले के पीरपैंथी थाने के 11 कांडों में, कटिहार जिला की बरारी थाने के 7 कांडों में तथा मणिहारी थाने के 1 कांड में अर्थात कुल 19 कांडों में आरोपित है। इस मामले को लेकर पूरी बिहार में सियासत तेज थी, नेता लगातार सरकार पर हमले कर रहे थे। यह मामला ट्विटर पर भी ट्रेंड किया था। कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र के बकिया दियारा में 2 गुटों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर जमकर गोलीबारी हुई थी। इस घटना के कई दिन बाद दियारा क्षेत्र में 3 लोगों के शव बरामद हुए थे। इस घटना में सबसे बड़ी बात यह थी कि सभी मृतक एक ही जाति के थे। मृतक के परिजनों ने इस मामले में मोहना चांदपुर गांव के मोहन ठाकुर पर हत्या का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि रंगदाड़ी न देने की वजह से सभी की हत्या कर दी गई। बगिया दियारा क्षेत्र में मोहना ठाकुर उर्फ मोहन ठाकुर और सुनील यादव के बीच दियारा क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर काफी लंबे समय से गैंगवार चलता रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दियारा क्षेत्र में पूर्व में ही कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। गोलीबारी की घटना यहां बराबर होती रहती है। घटना के बाद मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया था। इस मामले में एसटीएफ को सौंप दिया गया था, जिसके बाद गुरुवार को बिहार एसटीएफ की टीम ने गुजरात के सूरत में छापेमारी कर फरार चल रहे 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें सुमन कुंवर, अमन तिवारी, धीरज सिंह और अभिषेक राय उर्फ टाइगर शामिल है। इन्हें पकड़ने में गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी बिहार एसटीएफ की मदद की है। पुलिस सूत्रों की माने बिहार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चारों बदमाश गुजरात राज्य के सूरत जिले के कडोदरा थाना क्षेत्र में छिपे हुए हैं, जिसके बाद बिहार पुलिस के विशेष कार्यबल की एक टीम के द्वारा गुजरात पहुंचकर क्राइम ब्रांच सूरत के सहयोग से चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार 4 अभियुक्तियों को गुजरात से बिहार लाने की कानूनी प्रक्रिया भी की जा रही है।